गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर चल रहा था। तो ये प्रश्न है 71x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 253 एंड 37x प्लस 71y इज इक्वल्स टू 287। यहाँ पे इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विलोपन या वज्र गुणनखंड किसी भी विधि से कर सकते हैं, मगर एक ट्रिक है जो जानना आपका जरूरी है, जिससे ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों जिसमें गुणांक आपस में x और y के इंटरचेंज्ड हो, पहले समीकरण में x का गुणांक 71 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 71 है, उसी प्रकार से पहले समीकरण में y का गुणांक 37 है और उस दूसरे समीकरण में x का गुणांक 37 है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा बच्चों, तो पहला आपका काम ये होना चाहिए कि एक बार आप दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, जिससे बिल्कुल एक आश्चर्यचकित कर देने वाली समीकरण बनेगा आपको, मतलब एक बहुत छोटा समीकरण बन जाएगा। कैसे बताते हैं आपको, दोनों समीकरण जब आप जोड़ेंगे तो कोफिशियंट्स ऐड कर लीजिए सीधे यहीं पे, तो यानी यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया, 7 और 3 10 108x, इनको जोड़ेंगे तो भी देखिए 108y आ गया। इधर जोड़ लीजिए तो 7 3 10 का 0 हासिल लगे 1 और 8 6 14 की 4 हासिल लगे 1 और 5। अब 108 इसमें उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो 108 उभयनिष्ठ लेंगे तो x धन y बराबर आ जाएगा 540/108। अब इसको इसके मासापा से डिवाइड कर दीजिए, तो या ऐसे ही काट लीजिए, तो ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं इसको, 3 से भी कट जाएगा हालांकि, तो ये हो गया 2 2 4 2 7 14 और 0 और यहाँ पे 2 5 10 और 2 4 8। अब 27 के पाड़े में 54 आता ही है, तो सीधे में पता चल रहा है, तो 27 1 = 27 और 27 2 54 और 2 से ही कट गया 5। तो देखिए आपको कितनी, अच्छा एक लाइन हम जल्दी कर गए, यहाँ पे 108 को हमने उधर भेज दिया है मगर यहाँ पे लिखा रहने दिया है, तो आप इस पंक्ति को अगली लाइन में लिख लीजिएगा, हम यहाँ से 108 को हटा दे रहे हैं, जगह भी कम है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो रिड्यूस हो गया इक्वेशन आई, आप देख रहे हैं कितनी सरल है वो, x धन y बराबर 5, इसको आप समीकरण नंबर 3 ले लीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से अब आप दोनों समीकरणों को घटा लीजिए, तो घटाने में जो इक्वेशन प्राप्त होगी उसको भी लिख लेते हैं, एक में से 2 को घटाइए तो यहाँ पे 71 में से 37 को माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 7 4 11 कॉलम मेथड से घटाएंगे, यहाँ चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो गया 7 4 11 और इधर 6 में से 3 घटेगा 3 34x, यहाँ पे भी आएगा 34 मगर माइनस का आएगा क्योंकि 71 अभी बड़ा है, और यहाँ पे भी इन दोनों घटा लेते हैं, नेगेटिव उत्तर आएगा, तो यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ऋणात्मक इसलिए आएगा क्योंकि 287 बड़ा है 253 से। तो उसके बाद 5 में से 8 में से 5 घटाया 3 आ गया और माइनस का 34 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा 34 उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 34 अपॉन 34। तो ये भी वही बात है कि हम 34 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए हम अगली पंक्ति बिना लिख के इसी में लिखे दे रहे हैं। अब 34 से 34 कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो अब हमारे पास फाइनली x माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये हमें चौथा समीकरण बच्चों प्राप्त हो गया। तो ये चौथा समीकरण मिल गया हमें, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। चलिए अब क्या करते हैं कि हम तीसरे समीकरण और चौथे समीकरण को हल कर लें, तो दोनों को सीधे जोड़ लें तो y विलोपित हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण और चौथे समीकरण को जोड़ लें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो जोड़ते हैं बच्चों, तो x और x जुड़ के 2x हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी होगी इसीलिए अब आपको समीकरण बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। y से y कट गया तो 0 बचा, तो सीधे बराबर का चिन्ह लगा देंगे और इधर 5 और ऋण का 1 तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर x का पहला मान 2 आ गया। अब x का मान आप समीकरण 3 में रख लीजिए,
बस आपका उत्तर हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा इस प्रकार के प्रश्न हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है, समीकरण किस प्रकार के होने चाहिए, गुणांक आपस में इंटरचेंज होने चाहिए, किसके गुणांक, एक्स और वाई के गुणांक, तब इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 धन y = 5 बच्चों, तो y बराबर आ गया 5 ऋण 2, तो y बराबर आ गया 3, तो यही समीकरण के हल हो गए, x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।